अध्यापक बच्चों के साथ खेलता है। मास्टर बच्चों के संग खेला कर से। मास्टर बच्चों के संग खेला कर से। बच्चों के संग खेला कर से। मास्टर बच्चों के संग खेला कर से। अध्यापक बच्चों के साथ खेलता है, इसको बंगला में और इंग्लिश में पता क्या कहेंगे? टीचर प्लेज विद स्टूडेंट्स। टीचर प्लेज प्लेज होता खेलना। टीचर प्लेज विद स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? टीचर प्लेज विद स्टूडेंट्स। टीचर प्लेज विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसे इसको बंगला में मास्टर बच्चों के छात्रों संग खेलती खेला कर खेला खेला करती खेला करती, ठीक है। अब और कहेंगे एक और शब्द कहेंगे, स्कूल में होता है अध्यापक सवाल हल कर रहा है। सवाल अध्यापक सवाल हल कर रहा है। सवाल हल बोले तो हल मींस सोल्व, इंग्लिश में कहते हैं सोल्व होता है, मतलब समस्या को हल कर रहा है। हाँ, मैथ के होते हैं ना सवाल, उसको हल करता है ना अध्यापक, आपने देखा होगा। अध्यापक सवाल हल कर रहा है, इसको इंग्लिश में पता क्या कहेंगे? टीचर इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। टीचर इन दिस टीचर इज टीचर इज सॉल्विंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है। इसको बंगला में कैसे कहेंगे? मास्टर दोष सुधार से दोष सुधार से। वाह, ये बहुत बढ़िया। ये तो यार दोष तो वही होती है, कमी होती है, समस्या हो गई है। मास्टर दोष सुधार से यानी अध्यापक सवाल हल कर रहा है, इंग्लिश में कहेंगे द टीचर इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और बंगला में कहेंगे मास्टर दोष सुधार से।